नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले एंटीलिया मामले और उससे जुड़े मनसुख हिरेन की हत्या के मामले को लेकर नया मोड़ सामने आया है। महाराष्ट्र की थाने कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस को आदेश दिया है कि वो मनसुख हिरेन मामले की जांच रोक दे और इस केस को एनआईए को सौंप दे। केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही एनआईए को मनसुख हिरेन मामले की जांच सौंप चुका है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक जांच की जिम्मेदारी महाराष्ट्र एटीएस को दी है और महाराष्ट्र सरकार ने मामला एनआईए को सौंपने की इजाज़त अभी तक एटीएस को नहीं दी है। मंगलवार को महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन मामले को लेकर की गई अपनी जांच के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद एटीएस को मनसुख हिरेन के मामले की जांच भी एनआईए को सौंपनी होगी। इन दोनों मामलों की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी हुई कार मिली थी और बाद में उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध हत्या हो गई थी। इन दोनों मामलों में मुंबई पुलिस के बर्खास्त असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे पर जांच एजेंसी को शक है और उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने इन दोनों मामलों पर जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर के पद से आईपीएस अधिकारी परमबीर को हटा दिया तो परमबीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया गया कि वो पुलिस अधिकारियों के जरिए हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करवा रहे थे। महाराष्ट्र में विपक्षी दल बीजेपी ने इस मुद्दे को लपका और अब राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को पद से हटाया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।